नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया, कर्नाटक डिप्टी सीएम ने बधाई दी। पवार बोले संयोजक की जरूरत नहीं, पार्टी प्रमुखों की बनेगी एक टीम। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाया गया है। कर्नाटक डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार ने खड़गे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी। शिवकुमार ने लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ कर्नाटक का गौरव नहीं, वह देश का गौरव है और इस समय हमारे सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। इंडिया का चेयरपर्सन चुने जाने पर मेरी शुभकामनाएं। उधर दोस्तों, मीटिंग खत्म होने के बाद पुणे में शरद पवार ने कहा कि पार्टियों के बीच संयोजक की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है। मीटिंग में नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए सुझाया गया था, बाद में सहमति बनी कि पार्टी प्रमुख की एक टीम बनाई जानी चाहिए, संयोजक नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इंडिया के लिए तैयार लेकिन बंगाल में अपनी सीमाएं पहचाने कांग्रेस, टीएमसी ने दी नसीहत। जी हां दोस्तों, विपक्षी इंडिया गठबंधन की डिजिटल बैठक से दूर रहने वाली तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही कहा कि कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और टीएमसी को यहां राजनीतिक लड़ाई का नेतृत्व करने देना चाहिए। विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेता शनिवार को गठबंधन को मजबूत करने, सीट बंटवारे पर एक फार्मूला तैयार करने और विपक्षी दलों के गठबंधन का संयोजक बनाने पर निर्णय लेने पर चर्चा कर रहे हैं। यह दूसरा ऐसा प्रयास है क्योंकि कुछ दिन पहले डिजिटल बैठक आयोजित करने का पिछला प्रयास सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी 27 जनवरी को बिहार जाएंगे, बेतिया में जनसभा। पहले 13 जनवरी को जाने वाले थे, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम में बदलाव। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को एक दिन के लिए बिहार के बेतिया जाएंगे। पीएम बेतिया के सुगोली में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही बिहार में केंद्र की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले मोदी 13 जनवरी को बेतिया जाने वाले थे, हालांकि अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने के बाद पीएम मोदी का लगभग 1.5 साल बाद यह पहला बिहार दौरा होगा। पहले कहा जा रहा था कि 13 जनवरी को मोदी बिहार के बेतिया से 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया था कि पीएम चंपारण के बेतिया में रैली करेंगे, वे रमन मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, फिर पीएम मोदी के झारखंड के धनबाद जाने का कार्यक्रम था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को 4वां समन, ईडी ने 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। हेमंत सोरेन को भी 8वां समन भेजा। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से समन भेजा है। जांच एजेंसी ने उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम केजरीवाल को ईडी का यह 4वां समन है। इससे पहले उन्हें 3 जनवरी और पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तीनों बार केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। सीएम केजरीवाल की ओर से 3 जनवरी को ईडी ने कहा था कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त है, उनसे जो भी पूछना हो लिखित भेज दें। इससे पहले 2 नवंबर को केजरीवाल ने ईडी के समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था। 21 दिसंबर का समन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे। वहीं दोस्तों, ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन भेजा है। एजेंसी ने उनसे अब तक पूछताछ के लिए नहीं आने का कारण पूछा है। इस मामले में जवाब देने के लिए 16 से 20 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। बंगाल में यूपी के साधुओं की पिटाई, पुलिस ने कहा लोगों को बच्चे चुराने का शक था, भाषा के चलते गफलत हुई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। तीनों साधु उत्तर प्रदेश के हैं और मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे। घटना गुरुवार 11 जनवरी की बताई जा रही है। पुरुलिया के एसपी अभिजीत बनर्जी ने बताया कि तीनों साधु किराए की एक बोलेरो से जा रहे थे। गोरांगडीह के पास 3 लड़कियां पास के काली मंदिर में पूजा के लिए जा रही थी। साधुओं की गाड़ी उनके पास जाकर रुकी और उनसे कुछ पूछा। भाषा की वजह से गलतफहमी हुई और लड़कियों को लगा कि साधु उनका पीछा कर रहे हैं। वे वहां से चिल्लाते हुए भागी। एसपी बनर्जी ने बताया कि इसके बाद स्थानीय लोग साधुओं के पास पहुंचे और उन्हें पास के एक मंदिर में ले गए। इस दौरान भीड़ ने उनसे पूछताछ की और मारपीट शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। पुलिस ने साधुओं को भीड़ से बचाया और उनकी शिकायत पर FIR दर्ज की है। 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। उल्लंघन स्वीकार नहीं, भारत ने ब्रिटिश उच्चायुक्त की पीओके यात्रा पर जताया कड़ा विरोध। जी हां दोस्तों, इस्लामाबाद में ब्रिटिश उच्चायुक्त की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके की यात्रा को लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन अस्वीकार्य है। साथ ही दोहराया कि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। ब्रिटिश उच्चायुक्त जेन मेरियट की यात्रा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय ने शनिवार
शनिवार को कहा कि भारत ने ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के एक अधिकारी के साथ इस्लामाबाद में ब्रिटिश उच्चायुक्त की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 10 जनवरी 2024 को की गई बेहद आपत्तिजनक यात्रा को गंभीरता से लिया है। भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन अस्वीकार्य है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हमें धमकाने का लाइसेंस किसी को नहीं, चीन से लौटते ही आंख दिखाने लगे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू। जी हां दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू चीन के 5 दिवसीय दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। उन्होंने मालदीव लौटते ही दो टूक कह दिया कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। मुइज़ू ने कहा कि हम भले ही छोटा देश हो सकते हैं, लेकिन इससे किसी को भी हमें बुली करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। हालांकि मुइज़ू ने प्रत्यक्ष तौर पर किसी का नाम लेकर यह बयान नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि उनका निशाना भारत की तरफ है। दोस्तों चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज़ू ने 5 दिन के अपने चीन दौरे के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। उनका यह दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया। इस मामले को लेकर भारत और मालदीव दोनों देशों में राजनयिक विवाद बढ़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न टॉयलेट और न पानी की सुविधा, एयरपोर्ट पर घंटों फंसी रही एक्ट्रेस राधिका आप्टे, फूटा गुस्सा। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस राधिका आप्टे के साथ एक एयरपोर्ट पर ऐसी घटना हो गई जिसके बाद वह घंटों तक वहां फंसी रही, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। अब उन्होंने अपनी आपबीती इंस्टाग्राम पर शेयर की है। एक्ट्रेस ने बताया कि फ्लाइट में देरी के बाद वह अन्य यात्रियों के साथ एयरपोर्ट के एरो ब्रिज के अंदर फंसी रही। हालांकि एक्ट्रेस ने यह नहीं बताया कि घटना किस एयरलाइन की है। सीक्रेट गेम्स एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फोटो और वीडियो शेयर करते हुए बताया कि फ्लाइट में देरी होने के बाद यात्रियों को एरो ब्रिज में डाल दिया गया और एयरलाइंस स्टाफ ने उन्हें अंदर बंद कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होगी, सुक्खू कैबिनेट की मंजूरी, 3 साल बढ़ाने के लिए केंद्र से सिफारिश करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 3 साल बढ़ाने के लिए संबंधित नियमों और अधिनियम में संशोधन की सहमति दी है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सेक्रेटरी एम सुधा देवी ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, अब राज्य सरकार केंद्र को अपने सुझाव देगी। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की सिफारिश की जाएगी। हिमाचल हाईकोर्ट के एडवोकेट नीरज गुप्ता ने बताया कि अभी हिमाचल सरकार अपनी रिकमेंडेशन केंद्र को भेजेगी। भारत सरकार जब कानून को संशोधित करेगी तब जाकर कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत से सलाह के बिना दुनिया का कोई बड़ा मसला हल नहीं होता, बोले जयशंकर प्रसाद। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर का कहना है कि बीते कुछ सालों में भारत को लेकर दुनिया भर का नजरिया बदल गया है। अब स्थिति ऐसी है कि भारत की सलाह और मशवरे के बिना किसी भी बड़े वैश्विक मुद्दे पर फैसला नहीं हो पाता है। जयशंकर ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत से चर्चा के बगैर किसी भी बड़े वैश्विक मुद्दे पर फैसला नहीं लिया जाता है। हम बदल गए और हमें लेकर दुनिया का दृष्टिकोण भी बदल रहा है। हमें सीखना होगा कि अलग अलग देशों से डील करते वक्त हमारे हितों पर कैसे गौर किया जाए। इस दौरान जयशंकर ने भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों पर भी बात करते हुए कहा कि जब तक कि सीमा मुद्दों का हल नहीं निकलेगा तब तक वे सामान्य नहीं हो सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विधु विनोद चोपड़ा की 12th फेल ने किया नाम रोशन, मकाऊ एशिया यूरोप यंग फिल्म फेस्टिवल में मिला स्टैंडिंग ओवेशन। जी हां दोस्तों, फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी 12th फेल रिलीज के बाद से ही हर तरफ छाई हुई है। विक्रांत और मेधा शंकर स्टारर ये फिल्म 2023 की सफल फिल्मों में से एक है। 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इंडिया में अपनी पहचान बनाने के बाद अब फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर भी देश का नाम रोशन कर रही है। दरअसल दोस्तों, विधु विनोद चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनिंग इवेंट की एक झलक शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि एशिया यूरोप यंग सिनेमा फेस्टिवल मकाऊ में 12th फेल के गर्मजोशी भरे स्वागत की एक झलक, स्टैंडिंग ओवेशन और एंथुजियास्टिक स्वागत के साथ 12th फेल ने इंटरनेशनल टेस्ट भी पास कर लिया है। सभी को पसंद आने वाली इस फिल्म को देखना मिस न करें, इसे अभी देखें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग द्वारा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन, पारा 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 ट्रेनें लेट, बिहार में स्कूल बंद, पंजाब हरियाणा में शीतलहर का रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के कई राज्य भीषण सर्दी से जूझ रहे हैं। दिल्ली में शनिवार को इस सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। मिनिमम टेम्परेचर गिरकर 3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कोहरे की वजह से दिल्ली से चलने वाली या वहां पहुंचने वाली 18 ट्रेनें 1 से 6 घंटे की देरी से चल रही है। उधर दोस्तों, हरियाणा के हिसार के बाल संबंद में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पारा 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में कोहरे के साथ साथ कोल्ड वेव और पाला पड़ने का भी अलर्ट है।
वहीं दोस्तों बिहार में ठंड को देखते हुए पटना में 8वीं तक के सभी स्कूलों में 16 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। मधुबनी में 5वीं तक के स्कूलों को भी 16 जनवरी तक बंद करने का फैसला सुनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों 13 जनवरी की सुबह देश के 18 राज्यों में कोहरा दिखा। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड शामिल है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। ट्रेडिंग अकाउंट को फ्रीज करने की सुविधा देगा सेबी, इसके लिए 1 अप्रैल तक तैयार होगा फ्रेमवर्क, संदिग्ध गतिविधि रोकने में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी इन्वेस्टर्स को उनकी मर्जी से ट्रेडिंग अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक करने की सुविधा देने जा रहा है। सेबी ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट का ऑथराइज्ड ऑनलाइन एक्सेस रोकने के लिए इन्वेस्टर्स को उसे फ्रीज या ब्लॉक करने की सुविधा देने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। सेबी के परामर्श से ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम ISF इसके लिए 1 अप्रैल 2024 तक या उससे पहले फ्रेमवर्क तैयार करेगी, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश भी शामिल होंगे। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज सुनिश्चित करेंगे कि फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए दिशा निर्देशों को 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाए। वहीं दोस्तों सेबी ने कहा है कि भारत में स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री कॉल एंड ट्रेड से बदलकर ऑनलाइन मोड में बदल गया है, जिसमें इन्वेस्टर्स को लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज किया जाता करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स पीएम मोदी की तरफ से पेश की गई चादर। जी हां दोस्तों, अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई। यह चादर अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने अपनी टीम के साथ पेश की। वे चादर को यात्रा के रूप में लेकर वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 10 जनवरी को पीले रंग की चादर जमाल सिद्दीकी को सौंपी और वहां से अपना संदेश भी भेजा। इसके बाद सिद्दीकी राजस्थान पहुंचे, बीजेपी कार्यालय में समारोह आयोजित कर अल्पसंख्यक मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता यात्रा के रूप में अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल में शिफ्ट होगा यह सरकारी इंटर कॉलेज, योगी सरकार का फैसला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल के भवन में राजकीय खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज चलेगा। इसे लेकर शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इंटर कॉलेज शिफ्ट करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक बीजेपी नेता ने जोहर ट्रस्ट को आवंटित की गई जमीन को लेकर शिकायत की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई थी। दरअसल ट्रस्ट को जिन शर्तों पर जमीन दी गई थी उनका पालन नहीं किया जा रहा था। इसके बाद सरकार ने बिल्डिंग की लीज को निरस्त कर दिया और खाली करने का आदेश जारी कर दिया था। माध्यमिक शिक्षा में 2023 में भवन खाली करा लिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महादेव सट्टा ऐप केस, नितेश अमित अरेस्ट, दुबई में खरीदी प्रॉपर्टी, विदेशी कंपनियों में शेयर होल्डर 2.5 करोड़ का मिला हिसाब। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में नितेश टिम्बरवाल और अमित अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी थी, विदेशी कंपनियों में शेयर होल्डर भी वह है। जांच में अब तक 2.5 करोड़ रुपए का हिसाब दिखा है। अमित का भाई अनिल अग्रवाल महादेव ऐप में पार्टनर था। वह दुबई से जो पैसे भेजता था उसे यहां रिसीव करने अमित अपने अकाउंटेंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। वहीं दोस्तों ईडी के वकील सौरभ पांडे के मुताबिक 1 जनवरी को सप्लीमेंट्री कंप्लेंट कोर्ट में रखी गई थी। उसमें अनिल कुमार अग्रवाल को अभियुक्त बनाया गया था। अमित अग्रवाल इसी का भाई है। इसकी पत्नी ने अनिल दम्मानी के साथ मिलकर जमीन भी खरीदी है। जांच के लिए ईडी ने अमित अग्रवाल की रिमांड मांगी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ताइवान के लाई चिंग ते जीते राष्ट्रपति चुनाव, चीन के हैं कट्टर विरोधी। जी हां दोस्तों, ताइवान की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DTP के नेता लाई चिंग ते ने शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। लाई चिंग और उनकी पार्टी TPT को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है। चीन ने चुनाव से पहले ही लाई चिंग को अलगाववादी घोषित कर दिया था। चीन ने ताइवान की जनता से दो टूक कहा था कि अगर वे सैन्य संघर्ष की स्थिति से बचना चाहते हैं तो उन्हें सही विकल्प चुनना होगा। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति लाई चिंग ताइवान की स्वतंत्रता और चीन के क्षेत्रीय दावों का विरोध करते हैं। दोस्तों लाई चिंग ते की जीत के साथ ही उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में आकर इतिहास रच दिया है। हालांकि उनकी जीत से चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ने के पूरे आसार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
अमेरिका के एयर स्ट्राइक पर बट गया यूरोप। फ्रांस इटली बोले यूएस ने बिना बताए हूतियों पर दागे मिसाइल। जी हां दोस्तों, यमन में अमेरिकी एयर स्ट्राइक पर यूरोपीय देश आपस में बट गए हैं। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन में यमन पर बम बरसाए और फिर एक अन्य स्ट्राइक में दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया। यमन में घुसकर हूती के ठिकानों पर हमले से क्षेत्रीय लड़ाई छिड़ सकती है और यूरोपीय देश यह बात बखूबी समझते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, लाल सागर में हूती के मिसाइल हमलों को रोकने और शिपिंग रूट की सुरक्षा के नजरिए से अमेरिका और ब्रिटिश वायुसेना ने रात भर यमन के कई स्थानों पर हमले किए। इससे पहले गुरुवार को राजधानी सना समेत 4 शहरों में कमोपेश 73 ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बहरीन ने लॉजिस्टिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट मुहैया करवाए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में लाइव टीवी शो में प्रोफेसर की मौत। दूरदर्शन पर सवालों के जवाब दे रहे थे, बोलते बोलते कुर्सी पर लुढ़के। जी हां दोस्तों, केरल के दूरदर्शन चैनल में एक लाइव शो के दौरान एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की मौत हो गई। मृतक की पहचान डॉक्टर अनी एस दास 59 साल के रूप में हुई है। घटना शुक्रवार यानी कि 12 जनवरी की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों बताया गया है कि डॉक्टर अनी शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे दूरदर्शन के कृषि दर्शन प्रोग्राम में भाग लेने आए थे। शो के एंकर ने उनसे सवाल पूछा, जवाब देने के दौरान डॉक्टर अनी अचानक चुप हो गए और कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गए। इसके बाद एंकर ने तुरंत ब्रॉडकास्ट बंद करने को कहा। चैनल के कर्मचारियों की मदद से एक्सपर्ट को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी तक उनकी मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। इस बारे में भी जानकारी नहीं है कि क्या वे किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा शिंदे गुट में शामिल होंगे। पहले कहा था कभी नहीं जाऊंगा, विधायक पटेल ने कांग्रेस छोड़ने से इनकार किया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा अपने समर्थकों के साथ महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने शनिवार को यह घोषणा की है। कुछ दिन पहले ही देवड़ा ने शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वे कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देवड़ा के साथ कुछ पूर्व नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल होंगे। मौजूदा विधायक अमीन पटेल के भी कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट की शिवसेना में जाने की कलें लग रही थी, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वह कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा पंच ईवी 17 जनवरी को लॉन्च होगी। सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी में 300 किलोमीटर की रेंज, कंपनी ने जारी किया ऑफ रोड टेस्टिंग वीडियो। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स 17 जनवरी को अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने कार को 5 जनवरी को ऑफिशियली अनवील किया था। कंपनी का दावा है कि यह कार फुल चार्ज पर 300 से 400 किलोमीटर चलेगी। रेंज बैटरी पैक पर निर्भर करेगी। पंच ईवी की बुकिंग शुरू कर दी गई है। इसे 21,000 रुपए की टोकन मनी देकर बुक किया जा सकता है। वहीं दोस्तों टाटा पंच ईवी का मुकाबला सीट्रोन EC3 से होगा। इसे नेक्सॉन ईवी और टियागो ईवी के बीच पोजीशन किया जाएगा, यानी कि कीमतें 10 लाख से 13 लाख एक शोरूम के बीच हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम को नहीं मानना संविधान निर्माताओं का अपमान है। राजस्थान में उपराष्ट्रपति बोले, संविधान में राम मंदिर का जिक्र, राम सीता के फोटो हैं। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संविधान में भी राम मंदिर का जिक्र है। जो लोग राम को नहीं मानते वे संविधान निर्माताओं का भी अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रहित को राजनीति चश्मे से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि संविधान में भी राम मंदिर का जिक्र है। संविधान में भी देखें तो राम, सीता और लक्ष्मण के फोटो छुपे हुए हैं। उन्होंने यह बात शनिवार को विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस के मौके पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम में कही। वे यहां राष्ट्रीय सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला किया है। धनखड़ के बयान को कांग्रेस के फैसले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भगवान राम के पुराने मंदिर को किस शासक के काल में ढहा दिया गया था। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि उस क्रूर शासक का नाम जिसके शासनकाल में भगवान राम के पुराने मंदिर को ढहा दिया गया था, तो जल्दी से उस शासक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।